देख रहा है बिनो, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। देख रहा है विनोद, अगर आपने पंचायत देखा है तो इस डायलॉग को जरूर सुना होगा और बहुत ज्यादा एंजॉय भी किया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं जिसने यह डायलॉग बोला है उसे यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है। तो ये कहानी शुरू होती है 10 जुलाई 1999 से, जब इस लड़के का जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। इनका नाम अशोक पाठक है। यह पंचायत सीरीज से फेमस हुए थे जिसमें इन्होंने विनोद का कैरेक्टर निभाया है। अशोक पाठक कहते हैं वो इस कैरेक्टर को इसलिए इतने अच्छे तरीके से निभा पाए क्योंकि उन्होंने अपने रियल लाइफ में ऐसी जिंदगी को जिया है। मतलब फिल्मों में आने से पहले उनके घर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी और उनको पढ़ने में मन भी नहीं लगता था। तो इन्होंने जॉब करना शुरू कर दिया और अपने चाचा के साथ रुई बेचने लगे। तब वो 9th क्लास में थे। उस समय अशोक पाठक यानी हमारे विनोद जून की दोपहर में 25 किलोमीटर साइकिल चलाकर रुई बेचने जाया करते थे। तभी अशोक के पापा की जॉब जिंदल कंपनी में लग गई और उनके घर की स्थिति थोड़ी सी अच्छी हो गई और इन्होंने फिर से पढ़ाई करना शुरू कर दिया। अशोक कहते हैं जब वो ग्रेजुएशन में गए तब उन्हें थिएटर यानी नाटक के बारे में पता चला। उन्हें लगा कि मैं बेहतर एक्टिंग कर सकता हूँ और उनमें कुछ अलग करने का जज्बा था। तभी कुछ समय बाद ग्रेजुएशन पूरा हो गया और इन्होंने एक्टिंग इंस्टीट्यूट के लिए ट्राई किया लेकिन एडमिशन नहीं हो पाया। फिर उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखा तो एमए की स्टडी करने लगे लेकिन उन्हें सिलेबस की किताब पढ़ने में मन नहीं लगता था और वो नाटक और नोवेल जैसी किताबें पढ़ते रहते थे। अब एमए भी पूरा हो चुका था और आगे क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन बचपन से ही कुछ करने के जज्बे को देख कर उनके कॉलेज के प्रोफेसर ने 40,000 रुपए दिए ताकि वो मुंबई जाकर फिल्मी दुनिया में अपना करियर आजमा सके। वो हमेशा यही सोचते रहते थे कि 40,000 रुपए खत्म होने से पहले मुझे कुछ कर लेना है क्योंकि फैमिली की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी कि वो घर से पैसे मंगा सके। 2011 में इन्होंने अपनी पहली फिल्म की जिसका नाम था बिट्टू बॉस। उसके बाद इन्हें कोई बड़ा रोल तो नहीं मिला और ना ही कोई बड़ी पहचान। इन्हें बस फिल्मों में ड्राइवर सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही रोल मिलते थे। हालांकि मुंबई जैसे बड़े शहरों में इन्हें ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई क्योंकि अशोक पाठक को पंजाबी फिल्मों में काम मिल जाता था और वो पंजाबी इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा धन्यवाद भी करते हैं। अशोक पाठक को पंजाबी इंडस्ट्री से काफी ज्यादा हेल्प मिला और वो मुंबई जैसे महंगे शहर में इसी इंडस्ट्री की वजह से न जाने कितने साल सरवाइव कर पाए। लेकिन अब उन्हें पहचान मिली तो पंचायत के कैरेक्टर विनोद से। अगर देखा जाए तो यह भी कोई बड़ा कैरेक्टर नहीं है लेकिन इनके मजेदार डायलॉग और एक्टिंग ने इतने छोटे से कैरेक्टर से इतनी बड़ी पहचान दिला दी। अशोक पाठक इस कैरेक्टर के रोल को करना भी नहीं चाहते थे लेकिन इनके दोस्त ने इस रोल को करने के लिए कहा और वो अपने दोस्त को मना नहीं कर पाए। बकायदा उन्होंने इस रोल के लिए ऑडिशन भी दिया और वो सिलेक्ट भी हो गए। उन्हें हमेशा की तरह इस रोल से भी कोई उम्मीद नहीं था लेकिन पंचायत रिलीज होने के बाद इस कैरेक्टर को इतना ज्यादा प्यार मिला कि समझो इस कैरेक्टर ने तहलका मचा कर रख दिया। पंचायत सीरीज में विनोद को सिर्फ अपना शौचालय चाहिए था और वो इसी को लेकर बात भी बात करता है। तो अगर अभी तक आपने पंचायत नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखना। तो बस ये थी अशोक पाठक यानी हमारे विनोद से जुड़ी कुछ बातें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।